हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराड़ी। एक्सलेंट एकेडमी कुराड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में 12th क्लास HSC फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो उसका लेक्चर नंबर 2 हम देख रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 2 का जो फ्लो रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि आज के टॉपिक में हम आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद सॉलिड और फ्लूइड में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और बाद में जो फ्लूइड रहेगा, लिक्विड जो रहेगा, किसी कंटेनर के अंदर रेस्ट स्टेट में रहेगा, तो उस रेस्ट स्टेट में वो लिक्विड उस कंटेनर के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाएगा, तो उस प्रेशर का हमको एक्सप्रेशन निकालना है, जो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने के पहले वन मोर थिंग आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको PDF फॉर्मेट की नोट चाहिए तो कॉन्टेक्ट करें मेरे इस ईमेल आईडी के साथ में, tansing986@gmail.com। तो इस ईमेल पे अगर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजते हो या मुझे मैसेज करते हो कि सर मुझे PDF फॉर्मेट में नोट्स चाहिए, तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की PDF फॉर्मेट की नोट्स और साथ में जितना भी पढ़ा रहा हो उस PDF फॉर्मेट की नोट्स आपको मैं भेज दूंगा। ओके, तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने के पहले और मेरी वन रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज हमारे चैनल एक्सलेंट एकेडमी कुराड़ी को लाइक्स करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो फिजिक्स का हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आइडियल फ्लूइड, स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज। आइडियल फ्लूइड क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो आइडियल फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसा फ्लूइड जो इनकॉम्प्रेसिबल होगा, अ फ्लूइड विच इज इनकॉम्प्रेसिबल इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड, ऐसा लिक्विड जो इनकॉम्प्रेसिबल रहेगा, मतलब फ्लूड यानी लिक्विड ही होता जरूरी नहीं है, फ्लूड यानी गैसेस भी होती है, लेकिन ऐसा फ्लूड व्हाट इज आइडियल फ्लूड एंड स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज। व्हाट इज आइडियल फ्लूड, आइडियल फ्लूड क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज हमको स्टेट करनी है। तो आइडियल फ्लूड क्या होता है, तो ऐसा फ्लूड, अ फ्लूड विच इज इनकॉम्प्रेसिबल इज कॉल्ड आइडियल फ्लूड। ऐसा फ्लूड जो इनकॉम्प्रेसिबल होगा, मतलब कॉम्प्रेस नहीं होगा, ऐसे फ्लूड को हम आइडियल फ्लूड बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उस आइडियल फ्लूड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम विल नॉट बी चेंज, उसका वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं होगा, उसका वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिक्विड, मतलब लिक्विड में वाटर, इसको नियरली आइडियल फ्लूड कंसिडर किया गया है। वाटर को, मतलब लिक्विड में जो वाटर होता है उस वाटर को हम आइडियल फ्लूइड कंसीडर, मतलब आइडियल फ्लूइड उसको कंसीडर किया गया है। तो क्यों कंसीडर किया गया कि एक बीकर में आप वाटर लो या किसी कंटेनर के अंदर वाटर लो, उस वाटर को आप कंप्रेस करने की कोशिश करो, उसके ऊपर फोर्स लगाओ, तो वो कंप्रेस नहीं होता। मतलब वाटर जो होता है इसको नियरली आइडियल फ्लूइड माना गया है क्योंकि वो कंप्रेस नहीं होता। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ऐसा फ्लूड जो इनकॉम्प्रेसिबल रहेगा उस फ्लूड को हम आइडियल फ्लूड बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस फ्लूड के ऊपर हम अगर फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं होता। तो उसका एग्जांपल माना गया है कि लिक्विड में जो वाटर होता है उसको नियरली आइडियल फ्लूड कंसिडर किया गया है। तो वाटर को अगर आप किसी को कंटेनर के अंदर है उसको अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसका वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं होता, वो कंप्रेस नहीं होता। ठीक है, इसलिए उसको आइडियल फ्लूड माना गया है। हाउ यूअर गैसेस आर नॉट आइडियल फ्लूड। गैसेस बोले तो एयर, इसको आइडियल फ्लूड कंसीडर नहीं किया गया है क्योंकि किसी कंटेनर के अंदर या किसी बलून के अंदर अगर आप एयर, मतलब उसके अंदर एयर आप भरते हो तो वो एयर जो होती है वो कॉम्प्रेस हो सकती है। ठीक है, वो इजिली कॉम्प्रेस होती है, इसलिए गैसेस में जो एयर होता है उसको हम आइडियल फ्लूड नहीं मानते, मतलब जनरली गैसेस को आइडियल फ्लूड नहीं मानते। आइडियल फ्लूड के बारे में समझ में आ गया कि ऐसा फ्लूड जो कॉम्प्रेस नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूड बोलते हैं। तो चलो आइडियल फ्लूड की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, मैंने आपको बताया था कि ये इनकॉम्प्रेसिबल होता है, मतलब इसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है भैया, कि पर्टिकुलर वॉल्यूम, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है। तो भैया पर्टिकुलर वॉल्यूम में उसका जो मास रहेगा वो कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब उसकी डेंसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, इनकॉम्प्रेसिबल रहेगा वो। ठीक है, तो आइडियल फ्लूड कैसा होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है, उसकी डेंसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, मतलब उसका वॉल्यूम और मास चेंज नहीं होता। इट इज, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल, इसका जो फ्लो होता है इरोटेशनल होता है। आइडियल फ्लूड का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, इरोटेशनल होता है। अब इरोटेशनल का मतलब इसका फ्लो कैसा होता है, एकदम स्मूथ होता है। स्मूथ होता है मतलब देयर इज नो टर्बुलेंस इन द फ्लो, मतलब उसके फ्लो में
टर्बुलेंस नहीं आता, एकदम स्मूथ होता है। आपने देखे होंगे कोई पाइप होता है, पाइप में से जब वाटर फ्लो होता है तो उसका जो फ्लो होता है वो एकदम स्मूथ होता है। ये रोटेशनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो देखो ये आइडियल फ्लूड के जो पार्टिकल होते हैं, देखो स्मूथ फ्लो दिख रहा है ये। और इसके जगह अगर आप हनी लेते हो तो हनी इज नॉट अ आइडियल फ्लूड, वो रियल फ्लूड है। हनी जो होता है शहद, उसका जो वो जो होता है ना, उसका जो फ्लो होता है वो इरोटेशनल नहीं होता, स्मूथ नहीं होता। उसका जो फ्लो होता है टर्बुलेंस फ्लो होता है। यहाँ पे इस मतलब आइडियल फ्लूड, आइडियल जो फ्लूड होता है उसका फ्लूड स्मूथ होता है, मतलब वहां कोई टर्बुलेंस नहीं होता, ठीक है। अब बताओ इट इज नॉन विस्कस। अब नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है कि विस्कोसिटी यानी क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन होता है। विस्कोसिटी में क्या होता है, विस्कोसिटी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है। अगर जिसमें जिसके मॉलिक्यूल के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो वो मोर विस्कस। हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत नहीं के बराबर होता है, इसलिए वो विस्कस नहीं है, वो नॉन विस्कस लिक्विड है। तो आइडियल फ्लूड जो होता है वो नॉन विस्कस होता है, देयर इज नो इंटरनल फ्लो फ्रिक्शन इन अ फ्लो। मतलब ये जो आइडियल फ्लूड दिख रहा है आपको, इसमें जो पार्टिकल जो फ्लो हो रहे तो इनके बीच में कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता। इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी क्या है, जीरो है। मतलब आइडियल फ्लूड की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होता है, ठीक है। इट्स फ्लो इज स्टेडी, इसका जो फ्लो होता है बिल्कुल स्टेडी होता है। इसका मतलब इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कॉन्स्टेंट इन अ टाइम, मतलब पर्टिकुलर टाइम में हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, इसलिए इसका फ्लो जो होता है वो स्टडी होता है। तो आइडियल फ्लूड की प्रॉपर्टी में हम क्या 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 देखें कि आइडियल फ्लूड कैसा होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है, मतलब इसकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसका फ्लो इरोटेशनल होता है, इरोटेशनल का मतलब स्मूथ होता है, वहां पे कोई टर्बुलेंस नहीं होता। ये आइडियल फ्लूड जो होते हैं वो नॉन विस्कस होते हैं, नॉन विस्कस का मतलब वहां पे कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता फ्लो के समय। इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी जीरो होती है, मतलब फ्लूड मतलब आइडियल फ्लूड हैज नो विस्कोसिटी। इसका फ्लो स्टेडी होता है, स्टेडी का मतलब इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। अब रियल फ्लूड इसके उल्टा रहेगा। रियल फ्लूड यानी अब ये नोट में है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट नोट के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसा फ्लूड जो कॉम्प्रेसिबल होता है और उसकी उसमें कुछ विस्कोसिटी होती है, ऐसे फ्लूड को हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लूड। तो बाकी के जितने भी फ्लूड है वो कैसे है, रियल फ्लूड है। एयर हो चाहे केरोसिन हो या फिर हनी हो या क्रूड ऑयल हो, ये इनका ये जो होते हैं ना, ये सबके सब रियल फ्लूड होते हैं। अब ये जो रियल फ्लूड होते हैं इनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, इनकी स्पीड मतलब ये इनकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, मतलब इसका फ्लो स्टेडी नहीं होता। ये इनमें विस्कोसिटी होती है, मतलब इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन होता है, ये मतलब इनके अंदर विस्कोसिटी होती है। ये नॉन विस्कस नहीं रहते हैं, इनका फ्लो टर्बुलेंस होता है। इनका फ्लो कैसा होता है, टर्बुलेंस होता है, स्मूथ नहीं होता, टर्बुलेंस होता है। और ये कॉम्प्रेसिबल भी होते हैं। ये रियल फ्लूड के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर का सेकंड टॉपिक, सॉलिड वर्सेस फ्लूड। सॉलिड और फ्लूड में क्या डिफरेंस है। तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के बारे में तो आपको पता चाहे, फ्लूड के बारे में तो पता चाहे। हम यहाँ पे फोर्स से रिलेटेड देखेंगे उनका डिफरेंस। तो सॉलिड कैन बी सब्जेक्ट टू शेयरिंग स्ट्रेस, हम सॉलिड को शेयरिंग स्ट्रेस लगा सकते हैं। अब जो शेयरिंग स्ट्रेस जो लगाएंगे, मतलब शेयरिंग स्ट्रेस क्यों लगाते हैं, तो आपको पता है उसका शेप चेंज करने के लिए। तो सॉलिड को हम शेयरिंग स्ट्रेस लगा सकते हैं, तो वो शेयरिंग स्ट्रेस हम टेंजेंशियल भी लगा सकते हैं या नॉर्मल स्ट्रेस लगा सकते हैं। टेंजेंशियल यानी क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेयर को हम फोर्स लगाएंगे, पर्टिकुलर सरफेस को, ठीक है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस भी लगा सकते हैं या नॉर्मल यानी उसके सरफेस को परपेंडिकुलर फोर्स लगाना, उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। देखो ये नॉर्मल स्ट्रेस, तो ये कॉम्प्रेस करते समय ये टेंसाइल, मतलब उसके लेंथ में चेंज आने के समय ये टेंसाइल स्ट्रेस, ओके। ये कॉम्प्रेस इसके समय एक्सपांड होता है, इसके समय कॉम्प्रेस होता है। ये फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, ये फोर्स उसके बाहर की ओर लग रहा है, मतलब आउटसाइड लग रहा है, इसमें उसके ऊपर लग रहा है प्रेशर, कॉम्प्रेसिव फोर्स हो गया, ये टेंसाइल फोर्स हो गया। तो हम जो स्ट्रेस होता है, तो शेयरिंग स्ट्रेस टेंजेंशियल भी लगा सकते हैं, नॉर्मल भी लगा सकते हैं। लेकिन आइडियल फ्लूड अदर हैंड इसके अलग होता है, इसमें हम जो फोर्स लगाएंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस जो लगाएंगे, तो जो स्ट्रेस लगाएंगे वो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ही लगाएंगे। तो आइडियल फ्लूड इसके अलग होता है, इसमें हम आइडियल फ्लूड को हम कैसे रख सकते हैं, तो नॉर्मल ही कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगा सकते हैं।
स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस यानी प्रेशर जो रहेगा वो नॉर्मल ही लगाएंगे, मतलब परपेंडिकुलर ही लगाएंगे, ठीक है। अब बताओ सॉलिड अपोजिट शेयरिंग स्ट्रेस। सॉलिड क्या होता है, ये जो हम शेयरिंग स्ट्रेस लगा रहे हैं इसको वो अपोज करने की कोशिश करता है, मतलब हम जब उसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेस लगाएंगे तो उसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा उसको अपोज करने के लिए, ठीक है। मतलब उसका डिफॉर्मेशन, मतलब हम जो शेयरिंग स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसका डिफॉर्मेशन होना चाहिए, उसका शेप चेंज होना चाहिए, इसलिए हम वो शेयरिंग स्ट्रेस लगाते हैं। लेकिन उस डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, क्रिएट करता है, ओके। लेकिन जो फ्लूड होता है इसमें जो वेरी वीक रेजिस्टेंस होता है डिफॉर्मेशन को, मतलब डिफॉर्मेशन, मतलब इसमें डिफॉर्मेशन जो आता है तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है, डिफॉर्मेशन को ये अपोज नहीं कर पाता, कौन, फ्लूड। तो फ्लूड में क्या होता है, मोस्ट ऑफ फ्लूड वी आर वेरी वीक रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन को ये रोक नहीं पाते, ये डिफॉर्मेशन इसमें परमानेंट आ जाता है, ठीक है, किसमें, तो फ्लूड में। तो ये था सॉलिड और फ्लूड के डिफरेंस अकॉर्डिंग टू अपने बुक्स के हिसाब से। मैं जो नोट्स लिखवा के दे रहा हूँ आपको, तो अकॉर्डिंग टू बुक्स के हिसाब से, आपकी जो न्यू सिलेबस की बुक्स जो है उसके हिसाब से ही हम ये नोट्स देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे फ्लूड एट अ रेस्ट। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि फ्लूड मैकेनिक्स, तो फ्लूड मैकेनिक्स में एक स्टैटिक थी, डायनामिक थी। तो स्टैटिक का मतलब फ्लूड की प्रॉपर्टी की, हम उन प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे जब फ्लूड रेस्ट में रहेगा, और फ्लूड जब रेस्ट में रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, तो उसकी स्टडी जिस ब्रांच में करेंगे उस ब्रांच को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। तो फ्लूड एट अ रेस्ट, तो इसमें एक हाइड्रोस्टैटिक टॉपिक है। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स एट अ रेस्ट। जब फ्लूड रेस्ट रहेगा, तो फ्लूड जब रेस्ट रहेगा तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज आएगी, तो उस प्रॉपर्टी की हम जब स्टडी करेंगे उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो हाइड्रो का मतलब फ्लूड और स्टैटिक का मतलब रेस्ट। जब फ्लूड रेस्ट रहेगा और रेस्ट रहेगा तो उसके प्रॉपर्टी की हम जब स्टडी करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के साथ में डील करेंगे, तो ऐसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड एट अ रेस्ट कॉल हाइड्रोस्टैटिक। इन अ फ्लूड एट अ रेस्ट, जब फ्लूड रेस्ट होता है, ये बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, जब फ्लूड रेस्ट होता है द फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूड, तब फ्लूड से जो फोर्स आता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है टू द सर्फेस इन कॉन्टेक्ट विद फ्लूड। मान लो ये जो यहाँ पे एक फ्लूड होगा, ये एक सर्फेस होगा, तो सर्फेस के साथ में फ्लूड कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो जो फ्लूड जो इस सर्फेस के ऊपर जो फोर्स लगाएगा तो वो परपेंडिकुलर लगाएगा। तो ये सर्फेस मान लो वर्टिकल सर्फेस है, तो वर्टिकल सर्फेस पे जो फोर्स लगा रहा है तो वो परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। मान लो ये बॉटम है उस सर्फेस का, तो इस बॉटम मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसके ऊपर भी फोर्स जो लगाएगा वो परपेंडिकुलर ही एग्जर्ट करेगा। ये आपको याद रखना है कि फ्लूड की प्रॉपर्टी है कि फ्लूड एग्जर्ट, मतलब एग्जर्ट जो फोर्स जो एग्जर्ट करता है वो परपेंडिकुलर एग्जर्ट करता है। अब सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद फ्लूड, जो सरफेस फ्लूड के साथ में कॉन्टेक्ट करेगा वो सॉलिड सरफेस हो सकता है। अब सॉलिड सरफेस में एक तो बॉटम हो सकता है या वॉल हो सकता है, ओके, उस वेसल की, जिस वेसल में वो फ्लूड रखा गया है, ओके। अब इसके बाद में करेगा, अब ये जो सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, तो सरफेस का एरिया होता है, तो उस एरिया में जो फोर्स लगाएगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी को तो हम प्रेशर बोलते हैं। तो बात करेंगे व्हाट इज प्रेशर ऑफ फ्लूड, फ्लूड का प्रेशर क्या होता है, एंड उसका एसआई यूनिट और उसका डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ फ्लूड क्या होता है, तो द नॉर्मल फोर्स, मतलब नॉर्मल फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूड एट अ रेस्ट, जो फ्लूड रेस्ट पे है वो रेस्ट फ्लूड नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करेगा पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन्टेक्ट, मतलब जिस सरफेस एरिया के साथ में कॉन्टेक्ट करेगा तो उस पर यूनिट सरफेस एरिया पे वो फ्लूड फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ फ्लूड। तो प्रेशर ऑफ फ्लूड का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूड एट अ रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया, तो P इक्वल टू F बाय A। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या हो गए, तो आपको पता है फोर्स की यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो फोर्स केजी, तो केजी यानी मास, तो मास का पावर वन, फोर्स
केजी बाद में मीटर है और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से एक मीटर कैंसिल, तो अपॉन में एक मीटर बच गया, पर में एक मीटर बच गया, और पर में जब भी बचता है तो माइनस आता है, तो एल का पावर माइनस वन हो जाएगा। फिर पर सेकंड स्क्वायर था तो टी का पावर माइनस टू, तो एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आपका डायमेंशन होगी। ओके, अब प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है मतलब इसका ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा, इसके डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, अदर कॉमन जो यूनिट है प्रेशर के वो है बार। तो एक बार यानी कितना होता है, तो एक बार यानी 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है, मतलब एक जो कॉमन मेजरिंग, जो फिजिक्स में कॉमन मेजरिंग, मतलब प्रेशर को जो कॉमनली जो मेजर किया जाता है तो वो यूनिट है बार, और वन बार यानी 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपको रिमेम्बर करना है, रिमेम्बर मतलब आपको याद रखना है ये। तो कंसेप्ट ऑफ प्रेशर इज यूजफुल इन डीलिंग विद फ्लूइड्स। जब हम फ्लूइड के साथ में डील करते हैं तो प्रेशर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब फ्लूइड बोले तो लिक्विड और गैसेस, तो एज अ फ्लूइड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। फ्लूइड्स का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए इट इज कन्वीनियंट टू यूज क्वांटिटीज प्रेशर। इसलिए प्रेशर का यूज करना बहुत कन्वीनियंट होता है, प्रेशर और डेंसिटी रादर देन फोर्स एंड मास। तो फोर्स और मास का कंसेप्ट से हम फ्लूइड के प्रॉपर्टी को उतना अच्छे से नहीं समझ सकते, लेकिन प्रेशर और डेंसिटी से हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब हम हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक, हाइड्रोस्टैटिक का मतलब जब फ्लूइड रेस्ट रहेगा उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे, हाइड्रोडायनामिक का मतलब फ्लूइड जब मोशन में रहेगा तो उसके प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। तो हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक की स्टडी करते समय प्रेशर और डेंसिटी का यूज करना बहुत कन्वीनियंट होता है रादर देन फोर्स एंड मास। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है वो रेस्ट है, और रेस्ट लिक्विड की वजह से इसके बॉटम सरफेस के ऊपर या इसके वॉल के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर का हमको एक्सप्रेशन निकालना है। तो एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रेशर जो एग्जर्ट करेगा लिक्विड कॉलम के ऊपर फ्लूइड या लिक्विड, तो उसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम एक कंसिडर करेंगे एक सिलेंडर। हमने कंसिडर कर दिया एक सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जो एरिया है बॉटम सरफेस का एरिया वो ए है, फिल विथ लिक्विड। इसमें हमने एक लिक्विड फिल कर दिए जिसकी डेंसिटी है रो, ये रो का सिंबल है आपको याद रखना है। ठीक है, टू हाइट एच, एक पर्टिकुलर हाइट एच तक हमने लिक्विड जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, एक जैसी डेंसिटी है, तो वो हमने फिल कर दिए। ठीक है, जो फिगर में दिख रहा है। तो फिर से रिपीट करो, हमको कंसीडर क्या करना है, सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जो फील्ड है किसके साथ में, लिक्विड के साथ में, जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी रो है, कब कहां तक, तो हाइट गैस तक, जो फिगर में दिख रहा है। फिर नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉटम ऑफ अ सिलेंडर, यहाँ पे इस लिक्विड, आपको पता है लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती है कि वो जो फोर्स सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लगाता है, तो नॉर्मल फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉटम ऑफ द सिलेंडर ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड या लिक्विड जो इसके अंदर है इसके वेट की वजह से नॉर्मल फोर्स यहाँ लगता है। ओके, अब तो नॉर्मल फोर्स लगता है ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड, देयरफॉर इसीलिए फोर्स प्रेशर जो होता है एग्जर्ट होगा लिक्विड कॉलम पे, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसके बॉटम सरफेस के एरिया पे लगेगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया में प्रेशर आ जाएगा। तो देयरफॉर प्रेशर पी एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम ऑन बॉटम ऑफ द सिलेंडर, तो बॉटम ऑफ सिलेंडर पे प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है एफ बाय यू होता है। तो फोर्स यानी ये क्या है, ये डाउनवर्ड फोर्स वेट एम जी, वेट की वजह से आ रहा है, और वेट का फॉर्मूला जो होता है एम जी, तो फोर्स इक्वल टू एम जी हो जाएगा, एरिया जैसा का वैसा रहेगा, इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब हमको जो प्रेशर लाना है, तो प्रेशर का एक्सप्रेशन हमको डेंसिटी के फॉर्म में लाना है, किसके फॉर्म में लाना है, डेंसिटी दिख रहा है ये डेंसिटी, इस डेंसिटी के फॉर्म में लाना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वैल्यू, तो मास को हमने गायब कर दिया, तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास की वैल्यू ये डिवाइड वाला जो वैल्यू है डेंसिटी के साथ में चला जाएगा, तो डेंसिटी इंटू वैल्यू। अब आपको वैल्यूम का फॉर्मूला पता होगा, तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी क्या होता है भैया, वैल्यूम यानी क्या होता है, इसका एरिया और हाइट, तो एरिया इंटू हाइट हो जाएगा वैल्यूम का फॉर्मूला, तो वैल्यूम की जगह एरिया इंटू हाइट लिख दिया। अब ये जो मास की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने डाल दिए, तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम प्रेशर जैसा का वैसा, मास की जगह डेंसिटी, एरिया और हाइट आ जाएगा, और ग्रेविटी जैसी की वैसी रहेगी, एरिया जैसा का वैसा रहेगा, तो ये एरिया से एरिया कैंसिल, तो रो एच जी डेंसिटी हाइट और ग्रेविटी, ये आपका प्रेशर का क्या रह जाएगा फार्मूला।
द प्रेशर इक्वल टू रो एच जी, आपको याद रखना है, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है प्रेशर का ड्यू टू लिक्विड जिसकी डेंसिटी है रो एट हाइट एच पे है बिलो द सर्फेस, बिलो द लिक्विड सर्फेस, ओके बिलो द लिक्विड सर्फेस लगेगा। तो आपको नोट में याद रखना है, नोट में क्या याद रखना है कि भैया जो प्रेशर जो डिपेंड होता है तो वो एरिया ऑफ सिलेंडर पर डिपेंड नहीं होता, वो डेंसिटी हाइट और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होता है, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, चाहे इसका एरिया दुगना रहे तिगना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके एरिया पे प्रेशर डिपेंड नहीं होता। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।